सर सब खुशामदीद आपका हमारे इस चैनल में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप MPS जो है एक नेशनल एक तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आप JNK के चीफ स्पोक्सपर्सन होने के नाते यहाँ पर बहुत सारे तंजीमें ऐसी हैं जो MPS के नाम से अपनी सियासत की दुकान जा रही है। हाल ही में भी इस तरह के बहुत सारे इजलास हो रहे हैं जो बाहर के जो भी MPS को वो मानते हैं कि उनको क्या रोल है यहाँ पर, तो इस सब पे बात करें, थोड़ा बहुत इस पर रोशनी डालें कि MPS का मकसद क्या है, क्यों आई है, आप क्यों आए हैं इसमें और मेन पर्पज क्या है इसमें। देखिए NPS जो है ये इम्प्लीमेंटेड हुई थी 2010 में, तब की अगर बात करें मुझे नहीं लगता कि किसी ट्रेड यूनियन लीडर ने तब बात की थी। आज की डेट में अगर आप कुछ दिनों से देखेंगे जो कोई भी लीडर है वो इस टाइम अब बात करता है रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम की। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि उनका अपना प्लेटफॉर्म चला गया, वो डेली वेजर्स के साथ हर अगर आप देखेंगे जो भी फेस्टिवल यहाँ पर होता था, हमारे कुछ नाम निहार ट्रेड यूनियन लीडर जो पार्कों में बाइट्स देते थे अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, वो भी तब कहते थे कि आप जी ये इसको रेस्टोर कीजिए, नॉन पेंशन स्कीम को रेस्टोर कीजिए सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए। उनके पास अब प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हमारी जो ये मूवमेंट है ये ऐसी हो जैसे हमारे बेचारे गरीब डेलीवेजर, कोई फेस्टिवल होता है उस पर अपने ट्रेड यूनियन लीडर्स बाइट्स देते रहते हैं कि ये जी आप डिलीवेजर्स को रेगुलाइज कीजिए, इनके वेज जो है वो वागुजार कीजिए। मैं नहीं चाहता कि ये वाला जो हमारी ये मूवमेंट है इसको कोई हाईजैक करे। इसके स्टेक होल्डर्स हम हैं, स्टेक होल्डर्स इसके वो सब यूथ हैं जो 2000 यूथ क्या वो मुलाजिम हैं जो 2010 के बाद अपॉइंट हुए, इसके स्टेक होल्डर्स वो है। वो लीडर्स नाम लिहाज लीडर्स इसके स्टेक होल्डर्स नहीं हो सकते जो खुद GP फंड के दायरे में आते हैं, वो हमारे स्टेक होल्डर्स नहीं हो सकते। सर साहब चूँकि हमें देखा है कि बहुत सारे जो है वो चाहते हैं कि एक स्टेट लेवल पे हमारी जो मूवमेंट है वो स्टेट रेस्टोर कर सकते हैं, बाहर का कोई रोल नहीं है, तो क्यों हम बाहर के को एंटर रोल देते हैं हमारे JNK के स्टेट में। देखिए हमारी जो ये मूवमेंट है ये नेशन वाइड मूवमेंट हमारी चल रही है, आपने देखा होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर JNK में हमारे सिर्फ 4 या 5 लाख मुलाजमीन होंगे, लेकिन जो हमारे जलसो जुलूस बाहर होते हैं आप देखते हैं, आप देखते होंगे 10-15 लाख मुलाजमीन जो NPS के दायरे में आते हैं वो सड़कों पर होते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। तो ये एक नेशनल वाइड मुहिम चल रही है। अब किसी स्टेट लीडर को इससे जलन उठती है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ एक चीज़ है, वो इसमें दखल नहीं दे सकते क्योंकि हमारी जो ये यूनियन चल रही है इसकी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, हमारी यूनियन रजिस्टर्ड है, इसलिए इसके स्टेक होल्डर्स हम। कोई पहले नहीं आता था जब से आप एक्टिव हुए हैं इस फील्ड में, जो है आपने कई बार आला काम किया उसमें दिलाया, तो क्या वजह है आप ये जो है कुछ जो है लीडर्स जो अपने आप को मुलाजिम का लीडर मान कहते हैं वो आए इस सामने इस इशू को टेकअप करने, क्योंकि जबकि उनके इश्यूज बहुत सारे हैं, वो NPS क्यों ही जो जबकि उनको NPS में रोल ही नहीं, वो ऑलरेडी अपना GP फंड सारा कुछ जाएंगे, तो क्या वजह है वो भी इसमें मुकदमा दाखिल होता है। देखिए हम क्यों कहते हैं कि इसमें कोई और दखल नहीं दे सकता, जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ NPS के लिए है। NPS जब हमारा रेस्टोर होगा ओल्ड पेंशन स्कीम में तो हम ये प्लेटफॉर्म जो हमारा है हम ये डिस्बैंड कर देंगे। अब ये चाहते हैं कि हम इनके नोटिस में लाए या इनके पास जाए, इनका भी वो ना इसे वो ग्रूमिंग हो, इनका भी बोस्ट हो, इनकी भी एग्जिस्टेंस हो, ये इसमें बहुत सारे मामला डाइल्यूट करते हैं। जो हमारा ये मामला है ये फिर उधर ही रह जाएगा। हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम की, इसका सिर्फ एजेंडा एक ही है, रेस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम, और कुछ भी नहीं। जो ये बाकी यहाँ पर नाम निहाल ट्रेड यूनियन लीडर है इनके पास तो प्लेटफॉर्म है ही नहीं, क्योंकि डेलीवेजर्स को ये रोज रोज क्या कहेंगे। ईद पर कोई लीडर बाइट देता है वो सिर्फ कहता है डेलीवेजर्स को वागुजार करो, वो अपनी एग्जिस्टेंस दिखाता है, करेगा क्या? आप पहले अपने जो आपके डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपके मुलाजमीन, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आपके मुलाजमीन को भी तनख्वाह नहीं मिलती है, पहले आप उनको तनख्वाह दिलाओ, उसके बाद आप बातें करो कि आप नेशनल पेंशन स्कीम इसको आप रेस्टोर कराएंगे। सर साहब आखिर पे क्या रहे कि आपके मुलाजमीन के पूरे जम्मू कश्मीर के यूटी में जितने मुलाजिम हैं 4-5 लाख के आसपास जितने मुलाजिम, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी और किस तरह से वो आपके यूनियन में जुड़ जाएंगे और किस तरह से आप उन मसलों को आवाज के मोर्चे में लाएंगे? देखिए एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ MOPS मैं अपील करता हूँ, आपकी वसादत से रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ के जितने भी मुलाजमीन जो 2010 के बाद अपॉइंट हुए हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप सीरियसनेस दीजिए, आप हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए ताकि हम ये जो हमारी ये यूनियन है हम ग्रास रूट लेवल पर इसको मजबूत करें।
ताकि हम अपने मसलों मसाइल आला से आला हुकाम तक पहुंचाएं। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं। आपको पता होगा कि मैंने इसे पहले भी कहा था, शायद आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर पहले कुछ नाम निहाल ट्रेड यूनियन लीडर्स हुआ करते थे जिनकी मैच फिक्सिंग हुआ करती थी साबिका सरकारों के साथ। वो अरेस्ट भी खुद को करवाते थे, शाम को रिलीज भी खुद को करवाते थे। आज की डेट में ऐसा नहीं चलता। अगर आज की डेट में आपको सरकार कहती है कि हम जी कोई काम करेंगे तो वो करेंगे, अगर कहेंगे कि नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, हम वक्तन फवक्तन अपनी सरकार को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ये रिस्टोर कीजिए।